हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शोभा जगुड़ी देवभूमि हरिद्वार से और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। तो हमारा नाश्ता पानी निपट चुका है और यहाँ पर बना रही हूँ मैं नाश्ता करके दूसरी बारी की चाय। तो मैंने बताया था कि नाश्ता के बाद हमारी चाय ज़रूर बनती है, तो अभी चाय बना रही हूँ। उसके बाद दिन का खाना बनेगा अभी बाद में। तो ये बन रही मेरी यहाँ पे चाय और यहाँ पे मैंने साथ में दाल भी चढ़ा दी है। तो तब तक दाल भी पक जाएगी और तब तक मेरा काम है साड़ी में सिलाई करना। मतलब मैंने फॉल लगाया था तो उसके बाद सिलाई करना है। नहीं है मैचिंग के तो एक इस वाली साड़ी में फॉल लगाए तो इसके जो ये किनारे होते हैं तो इनमें करूँगी मैं अब सिलाई। तो मेरी यहाँ पे मशीन निकल चुकी है और एक ये वाली साड़ी में फॉल लगाए, एक ये वाली साड़ी में फॉल लगाए, बाकी एक इसमें भी रखी है पन्नी में। तो आजकल मेरा यही काम चल रहा था गांव की तैयारियाँ, क्योंकि सास जी को भी जाना है शादी में और मुझे भी जाना है। तो अब करती हूँ इनमें सिलाई, दिखाते हैं आपको आगे। तो दोस्तों, अभी तक कर रही थी मैं साड़ी का काम और अब जो है तो यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका है। मैंने खाना बना दिया है, बन रखी आज मेरी राजमा की दाल और भिंडी की सब्जी, थोड़ी सी रोटी, चावल और मट्ठा। खाना खाते हैं और मिलते हैं बाद में। हेलो दोस्तों, तो आप मिल रही मैं आप लोगों को सीधा शाम की चाय पे। और यहाँ पे जो है मेरी शाम की चाय भी बन के तैयार है और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। तो चाय पीने के बाद हम लोग चल रहे हैं मार्केट, क्योंकि मेरी शॉपिंग अभी बाकी है। तो मेरे साथ चल रहे हैं प्रिया के पापा, तो देखते हैं आज मेरे को क्या क्या दिलाएंगे मार्केट में। तो चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ज्वालापुर मार्केट में और कॉस्मेटिक शॉप पे। तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत खरीदारी करते हैं, तो देखते हैं मुझे यहाँ से क्या क्या पसंद आता है। तो सबसे पहले मैं आ रखी हूँ यहाँ सैंडल लेने, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए सैंडल पसंद कर लिए और इसके बाद चलते हैं आगे। अब और क्या लेना होता है? तो दोस्तों, मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और उसके बाद जो है मैंने मार्केट में वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि मार्केट में तूफान चलना शुरू हो गया था। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी सामान लिया और अब मैं आ चुकी हूँ घर। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या ख़रीदारी करी आज और मेरे मिस्टर जी ने मुझे क्या क्या दिलाया। तो दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले ये है प्रिया का बैग, जो कि प्रिया ने अपने लिए ले आया। ये देखिए कितना छोटा, कितना प्यार है ना, सो क्यूटी। और सेकेंड नंबर है इसमें मैंने, तो मेरे पास ना पर्स तो था, बस सामान के पापा से लाया जिसमें मतलब पानी की बोतल या छोटा मोटा सामान रख पाए, तो ये मैंने अपने लिए लाया। वैसे मेरे पास पर्स दूसरा है और ये भी लेके जाऊंगी। और उसके बाद ले आई मैं अपने लिए डेली यूज़ की चप्पलें, मतलब न ज़्यादा हील है, मतलब फ्लैट वहीं मैं अपने लिए सैंडल लेके आई। और उसके बाद लेके आई मैं कॉस्मेटिक सामान थोड़ी बहुत, तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि योग में क्या ले आई। सेंट लैक्मी सीसी क्रीम सिंदूर, ये मेरी लिपस्टिक, फेस वॉश और काजल। तो बाकी सामान मेरे पास था, इतना ही ख़त्म हो रखा था, तो ये भी ले आई मैं कॉस्मेटिक में। और एक मैं अपने लिए बैग ले आई बड़ा वाला, जिसमें कि ये सारा सामान रख के जाएंगे गाँव। तो इतनी ख़रीदारी की हमने अभी तक और अब हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए फिर इन्हें डाल दिया है, ऐसा लग रहा है तेरे की पीठ में, प्रिया की पीठ में कुछ बैठा होगा, पर प्रिया खुश है। और आज तो आप लोगों को प्रिया का नया लुक भी देखने को मिल रहा होगा, प्रिया ने करवा रखी आज हेयर कटिंग पीछे हो तो।
ये देखिए कितने बड़े बाल हो गए थे, फिर ये क्या पूरे कटवा दिए आज सुबह सुबह। उसको पता नहीं क्या मन हो रहा था, मम्मी मैं कटिंग करवा के आ जाऊँ, तो फिर ये कटिंग करवा के आ चुकी है। ये देखिए, तो दोस्तों अब मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और यहाँ पे जो है तो बच्चे बोल रहे थे कि भूख लग गई, तो अभी खाना बनने में तो थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैंने बच्चों के लिए दिन में चावल बन गए थे ज़्यादा तो बचे हुए थे, तो उन्हीं को पीले चावल बना दिए, मतलब उसमें टमाटर टमाटर डाल के बढ़िया से, तो मैंने ये बना दिए यहाँ पे बच्चों के लिए चावल, तो तब तक बच्चे चावल खा लेंगे। और अब मैं बनाती हूँ सब्जी वगैरह, तो मैंने चाय भी बना के रखी है, तो मैंने चाय भी बना के रख दी है, तो अब चाय पीते हैं पहले थोड़ी थोड़ी, उसके बाद बनाते हैं रात की सब्ज़ी। तो दोस्तों अब बना रही हूँ यहाँ पे रात की सब्ज़ी, और रात की सब्ज़ी में बनेगी मेरी आज तोरी की सब्ज़ी। और उससे पहले मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। Bye.